डियर स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 12th स्टैटिस्टिक्स में आज हम कुछ पढ़ेंगे नहीं, मगर आपको जो 30% रिडक्शन ऑफ सिलेबस हुआ है उनके बारे में थोड़ा देखेंगे डिटेल में। वो PDF आप लोगों को मिल चुका है, ग्रुप में भेज दिया है अरब को, गुजराती में होगा तो थोड़ा मैं इंग्लिश में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और क्या नहीं करना है, क्या डिडक्ट हुआ है, 30% जो सिलेबस का रिडक्शन हुआ है, डिलीट हुआ है, कौन से टॉपिक है, वो आपको आज डिटेल में मैं बताऊंगा। अब देखो, 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है उनका मतलब पूरे चैप्टर्स कट नहीं हुए हैं। आपके जो 10 चैप्टर्स है, पार्ट 1 में 4 चैप्टर और पार्ट 2 में जो 6 चैप्टर है, वो सभी चैप्टर्स सॉरी नोट सिक्स आपका जो फाइव प्लस फोर 9 चैप्टर्स जो है वो यहाँ पर आपको आज देखना है। और वो 9 चैप्टर में से पूरा चैप्टर कट नहीं हुआ है कोई भी, मगर हर एक चैप्टर में से सम पॉइंट्स, कोई कोई टॉपिक्स यहाँ पर ओमिट किए हैं, डिलीट किए हैं, जो आपको एग्ज़ाम में नहीं आएंगे तो आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अब कौन से टॉपिक्स है वो अगर हम देखें तो सबसे पहले आपका फर्स्ट चैप्टर, और एक ध्यान में रखो, ये जो 30% रिडक्शन वो सिर्फ यह 2020-21 के लिए ही है। इस साल हम देख रहे हैं ये कोरोना की वजह से जो स्कूल्स ओपन नहीं हुए हैं, आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो, तो इसलिए बोर्ड ने मीन्स गुजरात गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है कि 30% सिलेबस जो है वो रिड्यूस कर देते हैं। तो उनके लिए आपको थोड़ा डिटेल में मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट चैप्टर जो है आपका इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर में आपको क्या नहीं करना है, तो सबसे पहला पॉइंट है वो जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड करने के जो सम्स है वो आपको नहीं करने हैं। मतलब इलस्ट्रेशन नंबर 2 और 6, इलस्ट्रेशन नंबर 2 और 6 नहीं करना है। और इलस्ट्रेशन नंबर 2 और 6 जैसे जो भी सम्स है वो भी आपको वहाँ पर नहीं करना है, वो एग्ज़ाम में नहीं आएगा। एक इलस्ट्रेशन नंबर 2 अगर देखे तो वो P1 और P0 दिया हुआ है, बाद में हम P1/P0 फाइंड करते हैं। और फॉर्मूला है इंडेक्स नंबर इक्वल टू σP1/P0/N × 100, वो सम, वो इलस्ट्रेशन आपको नहीं करना है। और वैसे सम्स अगर एक्सरसाइज में है तो वो भी आपको नहीं करना है। और 6 इलस्ट्रेशन तो वो आप जो रो वाइज इंडेक्स नंबर फाइंड करते हो फिक्स बेस एंड चेन बेस में, फिर इंडेक्स नंबर का सम करके वो जो सम आता है, टोटल आता है, उनको नंबर ऑफ आइटम्स से डिवाइड कर रहे हो, वो सम्स आपको नहीं करने हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6। और उनके जैसे जितने भी सम्स है वो आपको यहाँ पर डिलीट हो चुका है, वो नहीं करना है। फिर पॉइंट नंबर 1.5 आपकी टेक्स्ट बुक में 1.5 जो पॉइंट है, मतलब चेंज ऑफ बेस, आप फिक्स बेस को चेन बेस में कन्वर्ट कर रहे हो, चेन बेस को फिक्स बेस में कन्वर्ट कर रहे हो, वो सम्स डिलीट हो चुके हैं, वो आपको नहीं करने हैं। मतलब उनके सम्स आपको एग्ज़ाम में नहीं आएगा। मतलब एक्सरसाइज में जो होगा इलस्ट्रेशन में चेंज ऑफ बेस के जितने भी सम्स है वो आपको प्रिपेयर नहीं करने हैं। फिक्स बेस टू चेन बेस, चेन बेस टू फिक्स बेस, वो डिलीट हो चुका है। फिर लास्ट पेयर पासे एंड फिशर, अब देखो लास्ट पेयर पासे एंड फिशर में 3 टाइप के सम है। फर्स्ट सम जो है लास्ट पेयर पासे फिशर में, वो सिंपली P1/P0 Q1/Q0 दिए होंगे और आपको 4 कॉलम्स फाइंड करके फॉर्मूला में वैल्यूज पुट अप करनी है, वो आपको करना है। मगर उनके अलावा जो है, उनके अलावा मतलब जो यूनिट का एक कन्वर्जेशन वाले सम्स है, मतलब अगर 20 केजी दिया हुआ है तो आप 1 केजी का प्राइजेस फाइंड करोगे, 1 केजी का प्राइजेस दिया है मगर क्वांटिटी ग्राम्स में है तो उनको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो सब जो सम्स है डजन को पीसीज में कन्वर्ट करने का, वो नहीं करना है। और
टोटल एक्सपेंडिचर आपको दिया हुआ है और प्राइस एंड क्वांटिटी आपको फाइंड करनी है, वैसे जो सम्स है वो भी आपको नहीं करने है। मतलब लास्ट पेयर पासे फिशर करना है मगर ओनली सिंपल सम्स, कन्वर्जेशन ऑफ यूनिट्स एंड टोटल एक्सपेंडिचर से प्राइस एंड क्वांटिटी फाइंड करनी है, वो सम्स आपको नहीं करने हैं। तो इतना आपको यहाँ पर डिलीट हुआ है। अब टोटल एक्सपेंडिचर वाले अगर देखें तो इलस्ट्रेशन नंबर जो 15 है वैसे सम्स नहीं करने हैं, और चेंज ऑफ बेस में यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 11 एंड 18 लिखा है मगर इलस्ट्रेशन नंबर 12 एंड 18 जैसे जो भी सम्स है वो आपको नहीं करने हैं। ओके, बाकी का सब आपको करना है फर्स्ट चैप्टर में। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर में आपको क्या नहीं करना है, जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड करने के सम्स नहीं करने हैं, चेंज ऑफ बेस फिक्स बेस टू चेंज बेस टू फिक्स बेस नहीं करना है, एंड लास्ट वेयर पासे फिशर में टोटल एक्सपेंडिचर से प्राइस डिमांड एंड कन्वर्जेशन ऑफ यूनिट वाले जो सम्स है वो नहीं करना है। इतना नहीं करना है, बाकी जो बचा आप चैप्टर में वो सब करना है, और वो सब में से कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर हुआ। फिर सेकंड चैप्टर जो है वो लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन में आपको क्या नहीं करना है, तो सबसे पहले तो पॉइंट नंबर 2.4 मेथड ऑफ स्कैटर डायग्राम, वो तो कभी भी बोर्ड एग्जाम में नहीं आती है, तो इस बार तो ऑलरेडी वो डिलीट हो चुकी है तो वो एग्ज़ाम में नहीं आएगी। मेथड ऑफ स्कैटर डायग्राम की पूरी मेथड कट हो चुकी है, तो मेथड ऑफ स्कैटर डायग्राम आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करनी नहीं है। ओके, फिर सेकंड जो पॉइंट दिया हुआ है वो है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड में रैंक असाइन करने के जो सम्स है, लाइक इलस्ट्रेशन नंबर 20, इलस्ट्रेशन नंबर 20 जो दिया हुआ है उनमें एक्स एंड वाई दिया हुआ है, आपको रैंक असाइन करना है आर एक्स एंड आर वाई, वैसे सम्स इस बार एग्जाम में नहीं आएगा। ओके, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड में जो आर एक्स एंड आर वाई दिया हुआ है वो करना है, मतलब रैंक असाइन करना है, वैसे सम्स एग्जाम में नहीं आएंगे। और वो जो टाई वाले सम्स है, ऑब्जर्वेशंस रिपीट होते हैं और जिनमें आपको सी एफ करेक्शन फैक्टर फाइंड करना है, वो भी सम्स इस बार एग्जाम में नहीं आएगा। और लास्ट जो टॉपिक है पॉइंट है 2.9 प्रिकॉशंस बिफोर यूजिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट के इंटरप्रिटेशन के लिए जो प्रिकॉशंस रखने हैं वो भी पॉइंट इस बार एग्जाम में नहीं आएगा। तो ये आपका डिलीट हुआ है, और आपने देखा डिलीट हुआ है तो किस में हुआ है, मेथड ऑफ स्कैटर डायग्राम डिलीट हो चुका है, रैंक कोरिलेशन स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड में वो जो रैंक असाइन करने वाले सम्स और जिसमें सी एफ फाइंड करना है वो सम्स डिलीट हो चुका है। मतलब कार्ल पियर्सन मेथड में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, वो पूरा आपको करना है, और कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट मेथड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो तो आपको करना ही करना है। तो ये जो मैंने बोला वो डिलीट हुए पोर्शंस है, बाकी जो बचा वो सब आपको करना है। तो ये सेकंड चैप्टर में हुआ। फिर थर्ड चैप्टर जो है लीनियर रिग्रेशन, तो लीनियर रिग्रेशन में फर्स्ट पॉइंट 3.3.1 मतलब मेथड ऑफ स्कैटर डायग्राम वो डिलीट हो चुका है। वैसे भी ये मेथड से सम्स एग्जाम में नहीं आते हैं, मतलब यहाँ पर तो ऑलरेडी डिलीट हो चुका है तो वो आपको प्रिपेयर करना ही नहीं है। यहाँ पर दो मेथड है, मेथड ऑफ स्कैटर डायग्राम एंड मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, तो वो जो मेथड ऑफ स्कैटर डायग्राम है 3.3.1 पॉइंट वो डिलीट हो चुका है, वो आपको प्रिपेयर नहीं करना है। फिर 3.6 पॉइंट डिलीट हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, तो आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर फाइंड करने के जो सम्स है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन के, वो भी इस बार एग्जाम में नहीं आएंगे। तो वो इलस्ट्रेशन और एक्सरसाइज में जितने भी सम्स है वो आपको प्रिपेयर करना नहीं है। कौन सा, तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन फाइंड करने के जो सम्स है वो आपको प्रिपेयर नहीं करने हैं। एंड लास्ट जो टॉपिक है 3.8
तो लीनियर रिग्रेशन के लिए जो भी प्रिकॉशंस आपको रखने हैं वो पॉइंट्स आपको यहाँ पर प्रिपेयर करना नहीं है. प्रिकॉशंस बिफोर यूजिंग द स्टडी ऑफ लीनियर रिग्रेशन, वो पॉइंट आपको यहाँ पर डिलीट हो चुका है, वो आपको करना नहीं है. तो थर्ड चैप्टर में कितना डिलीट हुआ, मेथड ऑफ स्कैटर डायग्राम डिलीट हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कैपिटल आर स्क्वायर के सम्स डिलीट हो गए, और लास्ट टॉपिक जो 3.8 थियरी का है वो डिलीट हो चुका है, वो नहीं करना है. बाकी जो बचा वो सब आपको यहाँ पर करना है. फिर फोर्थ चैप्टर जो है टाइम सीरीज, तो टाइम सीरीज में दो ही पॉइंट डिलीट हुए हैं. फर्स्ट ग्राफिकल मेथड, तो वैसे भी ग्राफिकल मेथड तो एग्ज़ाम में आती नहीं है, इस बार डिलीट हो चुकी है तो वो आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है. पॉइंट नंबर 4.3.1 ग्राफिकल मेथड, वो आपको यहाँ पर इस बार इस ईयर के लिए प्रिपेयर नहीं करनी है. उनके सम्स और इलस्ट्रेशन जो भी है वो डिलीट हो चुके हैं, वो नहीं करना है. और लास्ट जो मूविंग एवरेजेस मेथड है, मेथड ऑफ मूविंग एवरेज में 3-year, 4-year and 5-year के सम्स आते हैं, तो आपको सिर्फ करना है 3-year and 5-year के 4-year मूविंग एवरेज या तो 4-month मूविंग एवरेज इस बार डिलीट हो चुकी है. वो वैसे भी थोड़ी हार्ड है, 3 and 5 years तो एकदम इजी है, तो इजी पोर्शन आपको रखा है, हार्ड पोर्शन है वो डिलीट हो चुका है. तो 4-monthly मूविंग एवरेज या तो 4-yearly मूविंग एवरेज वो आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं करनी है, वो डिलीट हो चुका है. तो ये दो पॉइंट ये टाइम सीरीज में डिलीट हुआ, तो ये आपका पार्ट वन हुआ. पार्ट वन में आपको इतने पॉइंट्स नहीं करने हैं. नाउ पार्ट टू में फर्स्ट चैप्टर है वो है प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी में आपको क्या नहीं करना है. तो पॉइंट नंबर 1.6 पूरा डिलीट हो चुका है. मीन मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी वो डिलीट हो चुका है. मतलब 1.6.1 कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, 1.6.2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स, 1.6.3 लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर प्रोबेबिलिटी एंड 1.6.4 विथ रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट सिलेक्शन, ये पूरा पॉइंट डिलीट हो चुका है. मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के पॉइंट डिलीट हुए हैं, तो इनके इलस्ट्रेशन और उनके सम्स भी डिलीट हो चुके हैं, वो आपको प्रिपेयर नहीं करना है. एंड लास्ट पॉइंट 1.7 जो स्टेटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है वो भी डिलीट हो चुका है, वो भी आपको करने नहीं है. मतलब लास्ट टू एक्सरसाइज भी आपको करनी नहीं है, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड स्टेटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये पॉइंट डिलीट हो चुके हैं, तो उनके सम्स भी और एक्सरसाइज वन में भी उनके जो सम्स है वो भी आपको प्रिपेयर नहीं करने हैं. ओके तो ये प्रोबेबिलिटी में बाकी का सब आपको करना है. मतलब वो स्टार्टिंग का जो 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 एंड 1.5 तक करना है, 1.6, 1.7 नहीं करना है. फिर सेकंड चैप्टर जो है रैंडम वेरिएबल एंड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उनमें जो डिलीट हुआ है पॉइंट नंबर 2.2 डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, 2.2.1 इलस्ट्रेशन ऑफ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड 2.2.2 मीन एंड वेरियंस ऑफ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब 2.2 पूरा पॉइंट पूरा जो है वो ओमिट हो चुका है. मतलब डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने के जो सम्स, उनका मीन एंड वेरियंस फाइंड करने के जो सम्स है वो डिलीट हो चुका है, वो आपको नहीं करना है. और उनके जितने भी सम्स एक्सरसाइज में आते हैं वो भी आपको डिलीट करना है, वो आपको नहीं करना है. बाकी का पूरा मीन्स बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूरा आएगा. 2.1 एंड 2.3 जो टॉपिक है वो आपको करना है, 2.2 टॉपिक जो है वो आपको नहीं करना है. ओके ये सेकंड चैप्टर में. फिर थर्ड चैप्टर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. अब देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में सब कुछ है, सिर्फ रिवर्स टेबल जो देखने के सम्स है वो आपको नहीं करना है. वो जब चैप्टर आएगा तब आपको मालूम होगा कि आपको वहाँ पर जेड टेबल से वैल्यू फाइंड करनी है.
जेड टेबल में से जेड की वैल्यू से एरिया फाइंड करना है, मगर जो भी सम में एरिया से जेड की वैल्यू फाइंड करनी है वो सम्स एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, वो आपको वहाँ पर देखना है टेक्स्ट बुक में, और जितने भी सम्स है इलस्ट्रेशन है वो आपको प्रिपेयर नहीं करने हैं। फिर से बोल रहा हूँ, कौन से? तो रिवर्स टेबल देखने वाले, मतलब कि टेबल वैल्यू से जेड की वैल्यू फाइंड करनी हो, जेड की वैल्यू से टेबल वैल्यू फाइंड करनी हो वो सम्स आएंगे, मगर टेबल वैल्यू से जेड की वैल्यू वो रिवर्स हुआ वो आपको एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। तो उन वो टाइप के जितने भी सम्स है वो आपको प्रिपेयर नहीं करने हैं। सिर्फ इतना ही ओमिट हुआ है थर्ड चैप्टर में। फिर फोर्थ चैप्टर जो है वो आपका लिमिट, वो लिमिट का चैप्टर में से आपको जो कट हुआ है, तो टेबल से जो लिमिट की वैल्यू आप फाइंड करते हो वो टॉपिक कट हो चुका है। मतलब लिमिट की वैल्यू टेबल से फाइंड करने के जो सम्स है वो आपको ये प्रिपेयर नहीं करने हैं। फिर जो भी इलस्ट्रेशन या तो सम्स में आपको एफ एक्स के फॉर्म में फंक्शन लेना हो वो ओमिट हो चुका है। एज एग्जांपल इलस्ट्रेशन नंबर 18 to 24 जैसे सम्स, इलस्ट्रेशन नंबर 18 to 24 वो इलस्ट्रेशन नहीं करने हैं, और उनके जैसे जितने सम्स एक्सरसाइज में है वो भी आपको नहीं करना है। एंड लास्ट में 4.7 जो टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लिमिट, मतलब इलस्ट्रेशन नंबर 25 to 29 जैसे जितने सम्स है वो भी आपको प्रिपेयर नहीं करना है। तो लिमिट में टेबल वैल्यू से लिमिट फाइंड करनी वो सम्स नहीं आएंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 18 to 24 एफ एक्स के फॉर्म में जो लिमिट लेने के सम करने हैं वो भी नहीं आएंगे, और वैसे सम्स भी नहीं आएंगे। और फिर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लिमिट इलस्ट्रेशन नंबर 25 to 29 और उनके रिलेटेड जो सम्स एक्सरसाइज में है वो आपको प्रिपेयर नहीं करना है, बाकी का सब आपको प्रिपेयर करना है। और फिर लास्ट चैप्टर जो आपका है वो है डिफ्रेंसिएशन, और डिफ्रेंसिएशन में आपको क्या नहीं करना है, तो फर्स्ट है बाय डेफिनेशन जो डेरिवेटिव फाइंड करने के सम्स है वो आपको नहीं करने हैं। डेफिनेशन का यूज़ करके डेरिवेटिव फाइंड करने के जो सम्स है वो आपको प्रिपेयर नहीं करने हैं, वो एग्ज़ाम में नहीं आएगा। फिर जो वर्किंग रूल्स ऑफ डेरिवेटिव है या तो वर्किंग रूल्स ऑफ डिफ्रेंसिएशन है, चार रूल है, फोर रूल्स है, उनमें फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड करना है, सिर्फ फोर्थ रूल जिनका नेम है चेन रूल वो आपको नहीं करना है। ओके, चेन रूल फोर्थ नंबर का है वो नहीं करना है, और उनके जो सम्स है इलस्ट्रेशन और एक्सरसाइज में वो भी आपको नहीं करना है। ओके, एंड फिर 5.6 पॉइंट जो है, 5.6 टॉपिक है, और 5.6 टॉपिक में इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन फाइंड करने के जो टॉपिक्स है सम्स है इलस्ट्रेशन में और एक्सरसाइज में वो आपको प्रिपेयर नहीं करना है। एंड 5.9 जो टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो टॉपिक भी आपको प्रिपेयर नहीं करना है, उनके सम्स भी इलस्ट्रेशन और एक्सरसाइज में है वो नहीं करना है। ओके, बाकी का सब आपको यहाँ पर करना है। मतलब क्या नहीं करना है, तो डेफिनेशन से डेरिवेटिव या तो डिफ्रेंसिएशन फाइंड करने के सम्स नहीं करने हैं, वर्किंग रूल में चेन रूल जो है वो आपको नहीं करना है और उनके सम्स नहीं करने हैं, फिर इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन 5.6 टॉपिक है वो इलस्ट्रेशन और सम्स उनके रिलेटेड जो एक्सरसाइज में है वो नहीं करना है, एंड 5.9 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उनके जो टॉपिक सम्स है इलस्ट्रेशन में एंड एक्सरसाइज में वो आपको प्रिपेयर नहीं करना है, बाकी का सब आपको प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर ये गुजराती में आपको PDF मिला था, मैंने ट्रांसलेट करके आपको एक्सप्लेन किया, तो वो सब देख लेना, जो भी नहीं करना है वो मैंने आपको बोला, बाकी का जो रहा वो आपको सब प्रिपेयर करना है। और आप PDF में और साथ में वीडियो देख के 1x1 चैप्टर लेंगे, और ऐसा लगे तो रेड पेन से
क्रॉस मार्क कर दो, सभी जो नहीं करना है तो आपको पता चल जाएगा, उनके रिलेटेड सॉम्स है जो एक्सरसाइज में इलस्ट्रेशन में, वो भी क्रॉस मार्क कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि कितना करना है और कितना नहीं करना है। अगर फिर भी समझ में नहीं आया है तो आप मेरा कॉन्टेक्ट करके भी पूछ सकते हो कि कौन सा वोमिट हुआ है। वैसे तो पूरा डिस्क्रिप्टिव डिटेल में मैंने आपको समझाया, आपको समझ में आ ही गया होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।